हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। भारत द्वारा लगाया गया क्रिप्टो टैक्स डिजिटल कॉइन एक्सचेंजों के लिए बन रहा है फायदे का सौदा। सेक्युआ कैपिटल ने टोकन पर फोकस करने के लिए नए फंड में जुटाए $600 मिलियन। कॉनकॉर्ड के साथ हुए नए मर्जर पैक्ट के बाद सर्कल का वैल्यूएशन डबल होकर पहुंचा $98 बिलियन। रशिया के बाद अब यूक्रेन ने भी क्रिप्टो को बनाया लीगल। एनिमोका ब्रांड्स ने ऑस्ट्रेलियाई गेम डेवलपर ग्रीस मंकी को खरीदा। स्टासिस ने की XRP लेजर पर यूरो स्टेबल कॉइन जारी करने के प्लान की घोषणा। FBI ने नए क्रिप्टो क्राइम यूनिट को किया लॉन्च। 4000 से ज्यादा क्रिमिनल वेल्स के पास है $25 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी। मेलानिया ट्रंप ने की पोटस NFT कलेक्शन की घोषणा। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से होने वाले फायदे पर 30% टैक्स लगाने का इंडिया का डिसीजन देश के डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ओन वजीरएक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने एक पब्लिकेशन से बातचीत के दौरान बताया है कि 1 फरवरी से अपने प्लेटफॉर्म पर डेली साइनअप्स में लगभग 30% की बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा के बाद देखने को मिल रही है। वहीं फाउंडर आशीष सिंघल के अनुसार राइवल कॉइनस्विच ने भी डेली साइनअप्स में 35% का उछाल देखा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के इस कदम को एक ऐसी इंडस्ट्री को वैध बनाने के रूप में देखा गया है जो इंडिया के सेंट्रल बैंक के कड़े विरोध के बीच रेगुलेटरी लिम्बो में है। ऐसा लगता है कि डिजिटल एसेट्स पर भारी टैक्स इंडियंस को ट्रेड करने या फिर क्रिप्टो होल्ड करने के लिए साइन अप करने से रोकने में विफल रहा है। ऐसे में वजीरएक्स के शेट्टी को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 साल में देश में लगभग 100 मिलियन लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। सेक्युआ कैपिटल एक नया $500 to $600 मिलियन का फंड लॉन्च कर रहा है जो मुख्य रूप से थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस और डिजिटल एसेट्स पर ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने पर केंद्रित है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैलिफोर्निया बेस्ड फर्म मेनलो पार्क ने पहले ही बिटकॉइन, ईथर और अपने पोर्टफोलियो सोशल मीडिया फोकस डेसो और स्टोरेज नेटवर्क फाइलकॉइन में क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप्स द्वारा लॉन्च किए गए 2 टोकन सहित लगभग 10 क्रिप्टोकरेंसी पहले ही खरीद लिए हैं। फर्म के फ्लैगशिप सेक्युआ कैपिटल फंड ने पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज जैसे डेरिवेटिव्स एक्सचेंज FTX ट्रेडिंग और कस्टोडियल प्लेटफॉर्म फायरब्लॉक्स में इन्वेस्ट किया है। सेक्युआ पार्टनर शॉन मैगुएर ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक पब्लिकेशन को बताया है कि फंड 20-ईयर लेंस के साथ टोकन इन्वेस्टमेंट करेगा और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के एब्सेंस में ट्रेडिंग को अवॉइड करेगा। सेक्युआ ने ये नहीं बताया कि फंड से कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट $100,000 से लेकर $300 मिलियन के बीच हैं। USD कॉइन USDC ऑपरेटर सर्कल ने 2020 में स्थापित एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी SPAC कॉनकॉर्ड एक्विजिशन कॉर्प के साथ अपने मर्जर एग्रीमेंट को रिवाइज करने के बाद $9 बिलियन के रूप में वैल्यूएशन को डबल होते हुए देखा है। सर्कल ने थर्सडे को घोषणा की है कि उसने कॉनकॉर्ड के साथ अपनी पिछले मर्जर टर्म्स को खत्म कर दिया है और एक नए अग्रीमेंट के साथ आया है जिसे 8 दिसंबर 2022 तक फाइनलाइज करने की उम्मीद है।
ऐसे में एक बार बिजनेस मर्जर को फाइनलाइज होने और एक नई कंपनी के बनाने के बाद वहां सर्कल और कॉनकॉर्ड दोनों को एक्वायर्ड करेगी और टिकर सिंबल CRCL के तहत न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए पब्लिकली ट्रेड करने वाली बिजनेस बन जाएगी। $52.6 बिलियन के करंट वैल्यूएशन के साथ USDC की स्टेबल कॉइन मार्केट में 29% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन के बावजूद यूक्रेन ने कल क्रिप्टो को लीगलाइज कर दिया है। यूक्रेनियन वाइस प्राइम मिनिस्टर मिखाइल फेदोरोव ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यूक्रेन पार्लियामेंट ने वर्चुअल एसेट्स पर कानून अपनाया है। नया कानून क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के एसेट्स को पॉसिबल फ्रॉड या अब्यूज से बचाएगा। ये घोषणा रशियन गवर्नमेंट द्वारा देश में लीगल क्रिप्टो करेंसी के रूप में क्रिप्टो को रेगुलेट करने के कुछ दिनों के बाद आई है। यूक्रेन और रशिया दोनों ही क्रिप्टो को अपनाने पर अपनी सुप्रीमेसी इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल रशियंस के पास $200 बिलियन से ज्यादा के क्रिप्टो हैं और रशियन गवर्नमेंट के पास हर साल क्रिप्टो टैक्सेस में $13 बिलियन कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। चेन एनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में यूक्रेन चौथे स्थान पर है। ऐसे में यूक्रेन की एनुअल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम लगभग $8 बिलियन होने की उम्मीद है। एनिमोका ब्रांड्स, नॉन फंजिबल टोकन और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में नोटेड इन्वेस्टर्स ने मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मोटरस्पोर्ट गेम्स डेवलपर ग्रीस मंकी गेम्स को एक्वायर किया है। ग्रीस मंकी अपने मौजूदा मैनेजमेंट के तहत काम करने को जारी रखेगा। वहीं ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, NFTs और प्ले टू अर्न कैपेबिलिटीज के संभावित अपने एफर्ट्स को एनिमोका के साथ अलाइन करेगा। हालांकि अब तक एक्विजिशन के लिए फाइनेंशियल टर्म्स का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं पिछले महीने लगभग $360 मिलियन के अपने नए फंडिंग राउंड के बाद एनिमोका की वैल्यू लगभग $5.5 बिलियन हो गई है। स्टासिस यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन प्रोडक्शन में एक लीडिंग कंपनी XRP लेजर XRPL ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर रिपल पर यूरो स्टेबल कॉइन EURS जारी करेगी, जिसकी रिपल द्वारा घोषणा की गई है। स्टासिस ने ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिव नेचर और कार्बन न्यूट्रलिटी के कारण यूरो स्टेबल कॉइन जारी करने के लिए XRP लेजर को चुना है। रिपल के अनुसार ब्लॉकचेन कंपनी 2022 की सेकेंड हाफ में EURS को XRP लेजर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ऐसे में पिछले साल सितंबर में रिपल ने XRP लेजर पर NFT का सपोर्ट करने के लिए $250 मिलियन का क्रिएटर फंड लॉन्च किया था। स्टासिस के CEO ग्रेगरी क्लूमोव के अनुसार रिपल के साथ पार्टनरशिप क्लाइंट्स को स्टेबल कॉइन सर्विसेज तक आसानी से पहुंचा सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में दो बार सिर्फ क्रिप्टो TV पर। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो TV।